Hello and welcome guys. In this video we are talking about how to write first post in the blogger. आप अगर blogger पर अपना blog create कर चुके हैं तो आप अपने पहले blog post कैसे लिखेंगे, वो लिखने का तरीका क्या होता है, आप कैसे HTML का यूज़ करेंगे उसके अंदर, कहाँ पर आपको हेडिंग देनी है, कहाँ पर आपको सब हेडिंग देनी है, कहाँ पर आपको बोल्ड देना है ताकि आपकी पोस्ट SEO के लिहाज से अच्छी हो, तो हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे. सो लेट्स मूव ऑन द माई लैपटॉप स्क्रीन एंड वहाँ पर जानेंगे कि सो फाइनली आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं. तो इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक बार फिर से मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करना है. देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा पोस्ट लिखने के लिए. सो नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, सो सॉरी गाइज. तो जिस तरह से यहाँ पर इंटरफेस नज़र आया, सबसे पहले आपको दिख रहा है पोस्ट टाइटल. तो पोस्ट टाइटल आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको लिरिक्स वेबसाइट का एक डेमो करके बता रहा हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर मैं एक सॉन्ग्स का लिरिक्स लिखूँगा यहाँ पर. तो न्यू सॉन्ग्स है रेड बतिया, आरनेट सर ने गाया है ये. सो मैं यहाँ पर आप हेडिंग लिखने के लिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर दूँगा. तो रेड बतिया लिरिक्स मैंने पेस्ट कर दिया है हेडिंग के तौर पर. सो यहाँ पर मैं अपना कंटेंट लिख देता हूँ. इस सॉन्ग्स के जो भी लिरिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोटपैड में लिख रखे हैं, सो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए. यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर रेड बतिया लिरिक्स यानी इस सॉन्ग्स की इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, क्योंकि आप इनकी जो है यहाँ पर कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा. आप किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं दूसरे की, तो यहाँ पर क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी होता है. सो इस सॉन्ग को किसने लिखा है, कहाँ पर लिखा है, मैं इसको सबहेडिंग में डालूँगा रेड बतिया इन्फो. ओके, आप ये अगर HTML आती है तो आप HTML के साथ खेल सकते हैं. आपको हेडिंग टू या हेडिंग थ्री का यूज़ कर सकते हैं अपने पोस्ट के अंदर. अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप कंटेंट ये लिरिक्स वेबसाइट ही बनाए, आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको वहाँ पर पर्टिकुलर उसके हिसाब से HTML यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैं लिरिक्स के अंदर तो कोई हेडिंग टैग लगा नहीं सकता, सो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में लगाया हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा माइनर हेडिंग डालूंगा यानी कि H4. ओके, जैसे कि ये आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक लगे, अच्छा लगे, तो नहीं तो ये फिर पूरा मिक्स एंड मैच मसाला हो गया. तो मिक्स एंड मैच मसाला पसंद नहीं है लोगों को आजकल, तो मैं इसको थोड़ा सा सजा देता हूँ. सो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है किसी का. ये लिरिक्स वेबसाइट है तो आपको यहाँ पर क्या है, हो सकता है आप सेम ही लिखे, क्योंकि आप किसी सॉन्ग्स के लिरिक्स चेंज नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट के लिए. सो अगर आप समझ गए हैं इस बात को, तो आपको जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो आप यहाँ पर दिख रहा है पब्लिश के यहाँ पर क्लिक कर देना है, पब्लिश के ऊपर अगर आपकी पोस्ट रेडी है तो. जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपनी डैशबोर्ड में इस तरह का नज़र आएगा. यू व्यू पे क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आएगी. तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, हमने जो भी पोस्ट लिखा है वो इस तरह से शो हो रहा है. तो जो भी आप कंटेंट लिखेंगे तो आप इस तरह से शो कर पाएंगे. ये लिरिक्स वेबसाइट है तो यहाँ पर सेम हो सकते हैं वेबसाइट, यहाँ पर प्लेगरिज्म पूरा 100% एक ही आएगा, क्योंकि आप किसी के म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक सिंगर को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं. मैं आपको वापस से यही बात करो कि आप अपने कंटेंट को कॉपी बिल्कुल भी ना करें, अपना यूनिक डालें, तो ही आपका ब्लॉग हिट हो सकता है, तो ही आपका ब्लॉग सर्च इंजन में आ सकता है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. कुछ इसी तरह के वीडियोस और लाते रहूँगा मैं इस ब्लॉगिंग से रिलेटेड इस चैनल पर. सो सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन. जय हिंद.